केकरा के गोल लागो के बा गोसाई, केकरा के गोल लागो के बा गोसाई, जेकरा जहां मौका मिलल ओजे चाहे लागल मलाई, जेकरा जहां मौका मिलल ओजे चाहे लागल मलाई। भरोसा सियासत में ना होला, भरोसा सियासत में ना होला, गलती कई के या पछताहू के मौका ना मिलेला। बोला तो नहीं हेरा से अभिनंदन मर बोलो के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो टूटा टोक के रोज देख लो कि शुरुआत में कहनी के नीतीश कुमार जी से खाली फेर हो गई बलंडर। अभी बलंडर कैसन बा एक अंदाजा जब पूरा विस्तार से बताई तो रोलो के अंदाजा होके लगी। नीतीश कुमार जी हालांकि गलती बहुत कम करेले और गलती करे के मौका भी कम रखेले, बड़ा थोक बजा के अपन नीति और नियम के लागू करेले पालन करेले, लेकिन अचानक से सत्ता और कुर्सी के ऐसा मोह माया बा जो मोह माया से निकल बड़ा मुश्किल हो जाला। और ये मोह माया केहू के छोड़ ले कहाँ बा, सुरनर मुनि सब की यह रीति या स्वार्थ लागी कर रही सब प्रीति। स्वार्थ जोन बा सत्ता के होके, पद के होके या सम्मान के होके, स्वार्थ कुछ हो के होके रुआ के कहीं ना कहीं स्वार्थी जरूर बना देला। और तब रुआ अपन नियम से कभी कभी समझौता भी करे लगी ले, और जब समझौता करे लगी ले तो रुआ एक्सपोज हो जाइले, रुआ सबके सामने नजर में आ जाइले और ओकरा बाद समस्या शुरू हो जाला। नीतीश कुमार जी बड़ी मजबूती के साथ बिहार में अपन खूंटा गढ़ ले रहे हैं। 2005 में जब खूंटा गढ़ ले तो बिहार सहित देश दुनिया में यह बात के चर्चा हो गई कि नीतीश कुमार जी 15 साल के लालू राबड़ी शासन के खात्मा करके ओजा अपना के स्थापित कर दिले। बिहार के लोग के बहुत सारा उम्मीद भी जागल, और जब ये उम्मीद जागल तो बिहार के लोग नीतीश कुमार पर भरोसा भी कर लगे, नीतीश कुमार के भरोसा के दिवौले भी। 2005 से इस सिलसिला जब शुरू भइल तो इस सिलसिला लंबा चल गई, और भी ज्यादा लोग उनका पर भरोसा कई, और भरोसा कैला के बाद ये ब्रेक जोन बा लागल 2013 में, जब नीतीश कुमार जी ये बात रोल से अक्सर चूंकि इतिहास हो और इतिहास जब तक दोहराई ना तब तक वर्तमान और भविष्य के तरफ रुआ ना बढ़ सकिले। इतिहास के छाती पर रुआ जब तक ले खूंटा ना गाड़ तब तक ले अगिला रुआ कोनो काम ना कर सकिले, कारण कि इतिहास रुआ के राह बतावेला कि कौन गलती भई रहे, कहाँ से का भई रहे। लेकिन गलती से सीखे वाला भी एगो परंपरा रहल बा, नीतीश कुमार जी शायद वो गलती से सीख करके या फिर हो सकेला कि सोशल समझल रणनीति के तहत इन फैसला ले ले होखस। जब नीतीश कुमार जी 2013 में अलग भइले, 2014 में चुनाव भई रहे लोकसभा के, और लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी हार के जिम्मेवारी लेते हुए जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री के कुर्सी दिले रहन, अध्यक्ष पद अपना भी पार्टी के रख ले रहन, जरा के नतीजा का भइल इरुआ लोग से छुपल नहीं है। ये चर्चा बहुत विस्तार से भइल और एकरा पर काकुल भइल, ये सब बात अब कहले के जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं एगो फिर से उदाहरण सेट करता कि 2020 में नीतीश कुमार जी जब अपना पुरनका रिकॉर्ड के बरकरार ना रखले तो उनका मन में आयल कि कहीं ऐसा तो ना कि उनका से कोनो गलती हो रहा है, या फिर पार्टी संगठन के और पार्टी के दायित्व तो उनका पर भारी पड़ रहा बा। अब इनमें का बात बा ये तो नीतीश कुमार जी के मन बता सकेला, लेकिन नीतीश कुमार जी जब ये फैसला कैले कि उनका अध्यक्ष पद छोड़े के बा तो एक मतलब कि पार्टी के कमान उनका हाथ से छूटे लागल। 2014 में जब छोड़ले रहन मुख्यमंत्री के कुर्सी तौना घड़ी पार्टी के कमान उनका लगे रहे और पार्टी के लोग नीतीश कुमार के प्रति वफादार रहे, जीतन राम मांझी के छोड़ दी या फिर उनका मंत्रालय में जो लोग रहे जो जीतन राम मांझी के विद्रोह के बाद उनका खेमा में हो गई, उनका बुझा गई कि भारतीय जनता पार्टी सहयोग करके नीतीश कुमार के सत्ता से बेदखल कर दी और जीतन राम मांझी के कुर्सी पर बरकरार रखी। लेकिन तौना घड़ी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के बड़ी मजबूती से लालू प्रसाद संभाल ले, लालू प्रसाद और कांग्रेस मिलकर के नीतीश कुमार जी के भारतीय जनता पार्टी के जन योजना रहे और जन योजना जीतन राम मांझी के साथ बना रहे उकरा से कसम बचा करके और नीतीश कुमार के सत्ता में काबिज रख लेलस, जना के परिणाम 2015 में देखे के मिलल कि तीनों लोग संगे मिलकर के चुनाव लड़ल।
लेकिन अब के हाली स्थिति ऐसा बा कि 2020 के चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार जी अब अध्यक्ष पद छोड़े तो पार्टी के कमान उनका हाथ से निकल गई, मुख्यमंत्री तो उबड़े, लेकिन अब मुख्यमंत्री रही हैं या फिर मुख्यमंत्री ना रहे हैं वो पार्टी फैसला करी। कारण कि जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में नीतिगत फैसला होकर लगी, पार्टी स्तर पर फैसला हुई, तो वो फैसला से नीतीश कुमार वंचित हुई हैं और ये फैसला आरसीपी सिंह ली है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के करीबी बड़े, नीतीश कुमार के साथ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी काम कर रहे हैं, जो बात रोल को पहले बतौले नहीं, और अब नीतीश कुमार उनका हाथ में पार्टी के कमान सौंप दिले बड़े। एक पहले कुछ कड़ी हुआ भी दखल बहुत जरूरी बा, नीतीश कुमार जी के फैसला लिहल गए या जो अचानक से बा या फिर बहुत सोचल समझल रणनीति के तहत नीतीश कुमार ले बड़े। कहल तो यह जा रहा है, हमने के भी कहे युवा से कहले भैया कि नीतीश कुमार जी जो स्थिति विधानसभा में भई उकरा के लेकर के खिसपीट में रहन कि भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी अमित शाह चिराग पासवान के रोक ना पौले, जना के चलते नीतीश कुमार डैमेज भैले और एक खिसपीट में वो एक फैसला के ले ले। लेकिन नीतीश कुमार जी अपना झटके कोनो फैसला ना ले वेले, रणनीति के तहत भी हो सकेला। लेकिन एक पीछे कुछ कड़ी अगर जोड़ल जाओ तो वह याद करी कि जब 2015 के चुनाव भैले, 2017 में नीतीश कुमार जी अलग भैले, तो अलग होके से रोके वाला में कुछ लोग रहे उनका साथ है, जना में प्रशांत किशोर के नाम बहुत लम्हर रहे। प्रशांत किशोर संगठन के बड़ा मजबूती के साथ देखा तो हम पार्टी के उपाध्यक्ष के पद उनका के दिया गई रहे, गैर राजनीतिक व्यक्ति के राजनीति में प्रवेश करा वाला नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के एक खातिर वो धन्यवाद भी दे रहे हैं, यो कह रहे हैं कि पिता तुल्य बा। पहला हाली नीतीश कुमार के छात्र राजनीति से ऊपर उठावे के और जमीनी राजनीति से कार्यकर्ता बेस्ट पार्टी बनावे खातिर प्रयास शुरू कर रहे और एक खातिर जबरदस्त ढंग से तैयारी भी करते रहन, लगातार मीटिंग और नया नया लोग के जदयू से जोड़ना, बुरी तरह से एकदम जमीनी पकड़ बना करके नेता बनावे वाला काम होते रहे। जैसे हुआ देख लो आरएसएस में लोग जुड़े ला बचपन से ही जोड़ करके और आरएसएस अपना हिसाब से करके सिखावेला पढ़ावेला और वो पूरा गुण के दे करके मजबूत कैडर बनावेला, वही तरीका से प्रशांत किशोर के भी शुरुआत भरी है। लेकिन ये शुरुआत उनका ना चलल, बीच में ही उनका नीतीश कुमार के संगे संपन्न विषय करेगा पड़ल और एक पीछे कहा जा रहा कि बहुत बड़ा रणनीति रहे जो ना आरसीपी सिंह के टीम के बड़ा भारी हिस्सेदारी रहे। लोग ना चाहते रहे कि कैसे हूं प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के सामने आओ और गैर राजनीतिक व्यक्ति राजनीति में अपन कद बढ़ा लेवे। हालांकि गैर राजनीतिक व्यक्ति तो आरसीपी सिंह भी है, मात्र 10 साल उनका राजनीति में प्रवेश किया भैल बुड़ गए। लेकिन इस सब के बाद कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के रणनीति के रास्ते पर चल करके आरसीपी सिंह संगठन के अपना कब्जा में या फिर अपना अनुसार बनावे के शुरुआत कर देने वाले नीतीश कुमार के जो पुराना साथी लोग रहे, कई लोग अब कई पद से अलग हो गई बा, एक नया रुआ जदयू नजर आई और ये जदयू में नया नया लोग के भरे के काम शुरू हो गई बा। कहल जा रहा बा कि आरसीपी सिंह अभी के नाम 2024 और 2025 के तरफ देख रहा बड़े, 2024 और 2025 के चुनाव के तरफ आरसीपी सिंह का पूरा फोकस हो गई बा और ये फोकस में वो जमीन स्तर से या बूथ स्तर से कह ली, बूथ स्तर पंचायत स्तर सब स्तर से वो अपन तैयारी शुरू कर ले बड़े। हालांकि ये तैयारी में एक खाली झटका खा चुका बड़े, रुआ याद हुई कि 2019 में जब वो एक बैठक और एक मीटिंग व्यवस्था कर ले रहा गांधी मैदान में बूथ लेवल कार्यकर्ता में जना में अध्यक्ष और सचिव लोग के बुलाव गिर है, लगभग कहल जा रहा कि 8,000 जो अलग अलग पंचायत रहन पंचायत के लोग के जुटावे के मतलब तात्पर्य रहे कि लगभग 78,000 से 79,000 अध्यक्ष और सचिव के जुटावे के माने 2 से 2.5 लाख लोग के जुटावे के कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलाकर के गांधी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन करावे के विचार रहे। लेकिन ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गई और ओकरा बाद आरसीपी सिंह संगठन के प्रति अपन बहुत ज्यादा मजबूती से बढ़े लगले। हालांकि बीच में कई लोग आई जैसे देख लो कि अशोक चौधरी के एंट्री भई, संजय झा के एंट्री भई, हालांकि आज भी लोग सब लोग बा, लेकिन तब कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के बड़ी बेइज्जती में भई रहे। लेकिन आरसीपी सिंह फिर ओकरा के सब बात के खत्म करते हुए नीतीश कुमार के करीब अले और आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। अब वो स्तर पर लगातार
तैयारी में अपना जुटल बड़े, पंचायत चुनाव से लेकर के अन्य तैयारी लगातार कर रहे बड़े। 38 गो जिला और 3 गो जो पुलिस जिला बा सब मिलाकर के 41 जिला के प्रभारी नियुक्त कर दिले। इतना ही ना, लोकसभा प्रभारी और विधानसभा प्रभारी भी बनावे के शुरुआत हो गई बा। इतने से बात नहीं रुकल, बात बा कि छात्र जदयू के भी नया सिरा से रिवाइवल के दौर और नया पदाधिकारी के चयन शुरू हो गई बा। लगभग पूरा प्रक्रिया में आरसीपी सिंह और जो प्रदेश अध्यक्ष बन रहे उमेश कुशवाहा, ये लोग के बड़ी बड़ा भूमिका बा और साथ मिलकर के बन रहा गुरु है। हालांकि लौकुश समीकरण कहल जात रहे कि नीतीश कुमार बनावे के प्रयास करते रहे और यही उस समीकरण बा जो उनकी तैयारी में लागल गुरु। अब ये सब के लेकर के राजनीति के विचारक और सोचे वाला लोग निश्चित रूप से फोकस कर लेना और आर सी पी सिंह के एक एक प्रतिक्रिया के नोट कर रहा बा। एक में अलग अलग विभाग अलग अलग प्रकोष्ठ के भी गठन हो रहा बा, ओकरो अध्यक्ष और ओकरो पदाधिकारी के चयन हो रहा बा, जौना से कि सब लोग अपना अपना काम करो और अपना संगठन के मजबूत करके अपन क्षमता दिखाओ। इस सब में आर सी पी सिंह के योजना बड़ा मजबूती से चल रहा बा। नीतीश कुमार के हाथ से धीरे धीरे अब पार्टी के कमान सरक रहा बा और आर सी पी सिंह के हाथ में पूरा मजबूती के साथ ही कमान आ रहा बा। इस सबके बीच में जो राजनीति के चिंतक बा, विचारक बा, राजनीति के जाने वाला और नीतीश कुमार के खास करके जाने वाला लोग बड़े, पत्रकार बड़े या फिर इतिहासकार बड़े, जानकार बड़े, वो सारा लोग के कहना बा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर 2014 वाली गलती कर चुकल बाड़े और ई बलंडर अब कल नीतीश कुमार के पूरी तरह से समाप्त कर दी। कारण कि अब लालू प्रसाद नहीं खा जो कि उनका के गिरला को उठा ली है, संभाल ली है और करेजा से लगा ली है। देखे वाला बात हुई कि पूरा जो प्रक्रिया चल रहा बा आर सी पी सिंह के हाथ में जो जदयू के पूरा कमान आ गई बा और अपना हिसाब से चला रहा बड़े, एमें नीतीश कुमार जी के भूमिका का हुई का दोनों के दोस्ती जदयू के एक बड़ा मजबूत आधार दी या फिर नीतीश कुमार के टाटा बाय बाय करवा दी। मामला वक्त के हाथ पर छोड़ दिया हूं, लेकिन रउआ लागू विचार बहुत जरूरी बा। कारण कि रउआ विचार के साथ साथ हमनी के कई तरह के और मन में विचार लेकर के और उकरा के सामंजस्य से बिठा करके प्रयास कर ले जाए कि जोन बात रुआ कहनी रुआ सोचतनी वो बात के खोज खाज के ढूंढ के बीन के ओसा के फटक के रुआ लोग के सामने रख दी जाए। बिहार के राजनीति में होखे वाला निरंतर जो परिवर्तन बा वो परिवर्तन में एगो बड़ा कड़ी बा आर सी पी सी के हाथ में जदयू के कमान जाना और नीतीश कुमार के हाथ से संगठन के कमान निकलना, एकर फायदा या घाटा कोना रूप में आगे वक्त के हिसाब से आ रहा बा ए पर मंथन शुरू हो गई बा। वो मन में कोनो विचार होके तो जरूर बताई। अब देखे वाला बात ही बा कि मजबूत खूंटा आर सी पी सिंह ठोकता रहे या फिर नीतीश कुमार के गाड़ल खूंटा पर आर सी पी सिंह आगे पार्टी के बढ़ा रहे बड़े। जुड़े रही सभी भारत लाइव के साथ। खबर कभी है जब बंद ना होके और सच्चाई के बहुत ज्यादा करीब हमने के मानी जा, लगातार सच्चाई के हमने के प्रयास करते जा और इस सच खबर के ले आकर रुआ के सामने रखते जा। रुआ अगर लगता कि सहयोग करे के चाहिए तो निश्चित रूप से यूपीआई नंबर दिहल गई बा, वो यूपीआई नंबर पर वह सहयोग जारी रखी। रुआ लोग के बहुत लोग के सहयोग आ रहा बा, कई लोग के हम नाम लिखल चाहते हैं लेकिन मनाही बा कि सहयोग के कोनो नाम ना हो लगा और परिवार में कई गई कोनो काम, चूंकि भारत लाइव एगो परिवार है और वो लोग ओकर परिवार के मुखिया हैं, एक परिवार के भरण पोषण और आगे रास्ता दिखाओ वो लोग के जिम्मेवारी बा। फिर काल भेंट हुई यही ठेहा पर जनक नाम खूटा ठोक के गोर लागत। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।